अच्छा एक सवाल बड़ा अहम है आखिर में, मैंने आपसे ये करना है कि कि आपने भी सुना होगा जो जो एक बरतानियवी कंपनी थी ब्रॉडशीट, जिसको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एंगेज किया था कुछ बैरून मुल्क अकाउंट्स और असासों की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो जो ब्रॉडशीट है उसके जो सरबराह हैं मिस्टर मुसावी, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं और वो ये कह रहे हैं जी कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भी बताया था, फिर उन्होंने जो पिछली गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की उसको भी बताया था, और फिर अभी जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है उसको भी बताया कि एक अकाउंट है 1 अरब डॉलर का, बड़ा मिस्टीरियस अकाउंट है। उन्होंने उसकी निशानदेही की, उन्होंने शहजाद अकबर साहब को भी बताया उसके बारे में, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बताया था, लेकिन इस 1 अरब डॉलर के अकाउंट के बारे में कोई भी हुकूमत हो, ख्वाह वो किसी की भी हो, मुशर्रफ की हो, नून लीग की हो, या पीटीआई की हो, वो इस अकाउंट के बारे में कोई तहकीकात करने के लिए तैयार नहीं है। आप वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, कुछ आपको पता है ये 1 अरब डॉलर का अकाउंट किसका है? देखिए, बात यह है, मैं इस शख्स को जानता नहीं हूं, लेकिन इस किस्म के बहुत से लोग यहां पर फिरते हैं जो हर के बारे में कहते हैं बिलियन डॉलर इधर है, बिलियन डॉलर उधर है, क्योंकि उनका कारोबार यही है कि हम तफ्तीश करेंगे, ढूंढ के लाएंगे, आखिर कुछ होता नहीं है। अब आप ये देख लें कि इस शख्स को ठेका दिया नैब ने। मुशर्रफ के जमाने में चले बात समझ आती है कि नैब जो था वो जनरल मुशर्रफ खुद कंट्रोल करते थे। उसके बाद पीस पार्टी की हुकूमत आई है, हमारी हुकूमत आई है, हमने तो कभी नैब से कोई बात नहीं की। नैब के सबका चेयरमैन मौजूद है, ये मौजूदा चेयरमैन भी हैं, इनसे पूछे कभी हमने इनसे कोई बात की है? इनका ठेका नैब ने दिया। नैब जरा ये बता दे कि इस शख्स को टोटल रकम उन्होंने कितनी अदा की है, क्यों अदा की थी? जिस शख्स को आपने अरबों रुपया दिया कि वो नवाज शरीफ के पैसे ढूंढ सके, 20 साल में एक पैसा वो नवाज शरीफ से नहीं ढूंढ सका, तो आज कम अज कम माजरत ही कर लें, माफी मांग लें कि हमने इस मुल्क के अरबों रुपए डुबो दिए एक शख्स को बदनाम करने के लिए, उससे पैसे वसूल करने के लिए। और ये साबित हो गया कि इस कंपनी की जो अरबों डॉलरों की बात करती है, एक पैसा वो नवाज शरीफ का आज तक ना रिकवर तो बहुत दूर की बात है, उसकी निशानदेही भी नहीं कर सके ठीक है, कि पैसा है नहीं। तो ये अब इसका इसका जवाब कौन देगा कि जो अरबों रुपया इसको दिया गया है वो किसने दिया है, उसका भी कोई जिम्मेदार होना चाहिए।